एवरीवन, आज मैं आपको ड्रेस मेकिंग एंड कटिंग एंड स्विंग ट्रेड के टॉपिक बॉडी मेजरमेंट एंड पैटर्न मेकिंग से संबंधित मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन को पढ़ाऊंगी, जो आपको ITI एवं CTI की एग्जाम की प्रिपरेशन करने में मदद करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें और नोट्स जरूर बनाएं, और इससे संबंधित प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1, विच ज्वाइंट आर फॉर्म्ड ऑन द टॉप ऑफ द थाई बोन एंड शोल्डर। जांघ की हड्डी और कंधे के शीर्ष पर कौन से जोड़ों का निर्माण होता है? ऑप्शन ए स्लाइडिंग ज्वाइंट, ऑप्शन बी हिंज ज्वाइंट, ऑप्शन सी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ऑप्शन डी ग्लाइडिंग ज्वाइंट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ फिगर विड्थ एंड हाइट विदाउट एनी डिफॉर्मेटिंग चौड़ाई और ऊंचाई में बिना किसी विकृति वाली आकृति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए नॉर्मल फिगर सामान्य आकृति, ऑप्शन बी अबनॉर्मल फिगर असामान्य आकृति, ऑप्शन सी कर्कुलेंट फिगर, ऑप्शन डी स्टूपिंग फिगर। ऑप्शन ए नॉर्मल फिगर। हाउ टू टेक अराउंड मेजरमेंट, चारों तरफ की माप कैसे लें? ऑप्शन ए लूज ढीला रखकर, ऑप्शन बी फ्रॉम फुलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी शरीर के पूर्ण भाग से, ऑप्शन सी लोवेस्ट सबसे नीचे से, डी नॉर्मल साधारण, बी फ्रॉम फुलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड बी गिवन इन द पैटर्न व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग ए गारमेंट। परिधान बनाते समय पैटर्न में क्या दिया जाना चाहिए? ऑप्शन ए टॉलरेंस, ऑप्शन बी स्कैन अलाउंस, ऑप्शन सी लूजनेस, ऑप्शन डी अलाउंस। करेक्ट आंसर इज डी अलाउंस भत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज हेल्पफुल फॉर मेकिंग पैटर्न लेआउट। पैटर्न लेआउट बनाने के लिए क्या सहायक है? ऑप्शन ए ड्राफ्ट प्रारूप, ऑप्शन बी फैब्रिक कपड़ा, ऑप्शन सी चौक, ऑप्शन डी पेपर पैटर्न, ऑप्शन डी पेपर पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच पैटर्न आर प्रिपेयर्ड दी बेसिक स्टैंडर्ड मेजरमेंट। कौन से पैटर्न बुनियादी मानक माप द्वारा तैयार किए जाते हैं? ऑप्शन ए नॉर्मल पैटर्न सामान्य पैटर्न, ऑप्शन बी इंडिविजुअल पैटर्न व्यक्तिगत पैटर्न, ऑप्शन सी कॉमर्शियल पैटर्न वाणिज्यिक पैटर्न, ऑप्शन डी सेल्फ मेड पैटर्न स्व निर्मित पैटर्न, ऑप्शन सी कॉमर्शियल पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच प्रोसेस फॉर अरेंजिंग द फैब्रिक कपड़े की व्यवस्था के लिए कौन सी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए स्प्रेडिंग प्रसार, ऑप्शन बी लेइंग, ऑप्शन सी अरेंजिंग व्यवस्था, ऑप्शन डी कटिंग। करेक्ट आंसर इज स्प्रेडिंग ए प्रसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच मेथड ऑफ ले द कंपोनेंट आर पिक्ड इंडिविजुअली
ले कि किस विधि में घटकों को व्यक्तिगत रूप से चुना जाता है। ऑप्शन ए डबल, ऑप्शन बी सिंगल पिक, ऑप्शन सी जिगजैग, ऑप्शन डी स्टिप्ड। ऑप्शन बी सिंगल पिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच पैटर्न शुड नॉट हैव सीम अलाउंस। किस पैटर्न में सीम भत्ता नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए ब्लॉक पैटर्न, ऑप्शन बी कॉमर्शियल पैटर्न, ऑप्शन सी इंडिविजुअल पैटर्न, ऑप्शन डी रेडीमेड पैटर्न। करेक्ट आंसर इज ए ब्लॉक पैटर्न। हाउ मैनी टाइप ऑफ लेआउट। लेआउट कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी थ्री, ऑप्शन डी फोर, ऑप्शन सी थ्री। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इससे संबंधित वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। थैंक यू।